कुरुक्षेत्र पहुंचे दुष्यंत चौटाला मीडिया से रूबरू होते हुए दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है कहा कि 2014 का जो फेलियर है उसे अब नए लिबास में लागू किया है। उन्होंने कहा कि आज देश युवाओं का देश है और इस संकल्प पत्र में युवाओं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है और ना ही उनके बारे में कुछ सोचा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कल संकल्प पत्र आया ये अपने आप में ये दर्शाता है कि 2014 का जो भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है आज कहीं ना कहीं उसको पुराने घोषणा पत्र से हटाकर नए लिबास में लोगों के सामने परोसने का काम किया है। और हैरानी की चीज़ है कि आज हम दुनिया का सबसे युवा देश है और इस संकल्प पत्र में युवाओं के रोजगार के लिए एक शब्द भी सरकार ने लिखने का काम नहीं किया। 2014 में किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, अब उसको 22 ले गए और ये सोचते हैं एक बार राज बन जाए तो फिर उसको 29 ले जाने का काम करें। जनता सब जानती है और जिस प्रकार से प्रोपोगेटेड तरीके से नेशनलिज्म की बात करके आज देश को जो डिवाइड करने का काम कर रहे हैं लोग उस चीज़ को देखते हुए वोट देगी। मैं तो इनके घोषणा पत्र पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अर्थप्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।